बुलडोजर असम में चला। एक्शन उन मदारिस के खिलाफ लिया गया जिन पर गैर कानूनी सरगर्मियों में शामिल होने का इल्जाम था, लेकिन इसे लेकर सियासत का खेल उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया। ये है मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के एमपी एसटी हसन। हसन मुरादाबाद के कांट इलाके में मुस्लिम समाज के लोगों को खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मदरसों के सर्वे को लेकर काबिले एतराज बयान दिया। मदरसों के ऊपर ऐसी आफतें आई कि बुलडोजर का खतरा हो रहा है और आसाम में चल भी रहे हैं। वो निजाम खत्म अगर हो गया तो हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा, और जब इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो गुनाह भी करेंगे, और गुनाह करेंगे तो अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी। दरअसल समाजवादी पार्टी के एमपी एसटी हसन ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। उन्होंने एक साथ दो बीजेपी जेरे इख्तदार रियासतों पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रियासत के गैर मंजूर शुदा मदारिस का सर्वे करवा रही है। इस सर्वे के जरिए सरकार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मदरसों में तालीम का क्या मेयार है, वहाँ तालीम के लिए किस तरह की सहूलियात और इंतजाम है। तो दूसरी तरफ असम में हेमंता बिस्व सरमा सरकार ने उन मदरसों पर कार्रवाई की जिनकी सरगर्मियां मुश्तबा पाई गईं। लेकिन सांसद एसटी हसन ने यूपी के मदरसों पर बुलडोजर की बात करके मुसलमानों को डराने की कोशिश की। इसे लेकर बीजेपी ने हसन पर पलटवार किया। जिन मदरसों में यह अध्ययन कराया जाता है और जिसका पाठ्यक्रम यह है, जिसमें भारत के की एकता और अखंडता सवालों के घेरे में आता है, सामाजिक सौहार्द सवालों के घेरे में आता है, ऐसे अनधिकृत मदरसे जो सरकारी नियमों के अनुसार नहीं है, जहां पाठ्यक्रम एनसीईआरटी या सरकारी पाठ्यक्रम नहीं है, ऐसे मदरसों को का सर्वे कराना क्या संविधान के अनुकूल है या नहीं है, इसका जवाब दें। यूपी की सरकार जिस निरंकुश तरीके से काम कर रही है, यूपी की सरकार ने जिस तरह से पुलिस से बर्बरता करके काम किया है, वो अपने आप में निरंकुश शासन और पुलिस का एक प्रमाण अपने आप में है। कोई भी गतिविधि जो है वो कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए। जब कानून और मर्यादा का उल्लंघन होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमाण अब दिया जाने लगा है। उत्तर प्रदेश में मदारिस के सर्वे पर जमीयत उलमा हिंद ने भी दिल्ली में कुछ दिनों कबल बड़ी मीटिंग की थी, जिसमें कहा गया था कि एक कमेटी बनाकर हुकूमत से बातचीत की जाएगी। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी भी जमकर इस सर्वे की मुखालफत करते रहे हैं। तो योगी सरकार के वजीर दानिश अंसारी के मुताबिक मदरसों को मॉडर्न बनाना ही सरकार का वाहिद मकसद है। सर्वे का मकसद ये है कि हम अपने जो नौजवान जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, जो वहाँ पे चाइल्ड राइट्स हैं वो फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। साथ ही साथ उसमें ये भी बिंदु है कि किस सरकार की योजना का लाभ वो मदरसा ले सकता है। 31 अगस्त को योगी सरकार ने गैर मंजूर शुदा मदरसों के सर्वे का हुक्म दिया था, जिसके बाद 10 सितंबर तक टीम तश्कील कर ली गई। सरकार की तरफ से 12 पॉइंट्स वाला फॉर्मेट भी जारी कर दिया गया है और यूपी में चलने वाले 16,000 निजी मदरसे अब सरकार के सर्वे की जद में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।